किसी किस्म के भी नफसियाती मर्ज में सबसे पहली जो तजवीज़ है मेरी वो ये है कि अपनी नींद पे फोकस करना शुरू करें। अगर हम चाहें तो अपने जज्बात को अच्छा रखने के लिए मनसूबाबंदी कर सकते हैं, जैसे मैंने नींद का जिक्र किया तो एक्सरसाइज दूसरी चीज़ है। अगर हम गुफ्त शनीद का फ़न सीख लें, दूसरों से अपने जज्बात का इजहार करना सीख लें तो इससे भी हमारे जज्बात बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब हम ड्रग्स का या अल्कोहल का सहारा लेते हैं तो कुछ को एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की बीमारी हो जाती है, सबको नहीं होती, अगरचे 10 से 20% लोगों तक को एडिक्शन की बीमारी होती है। और अगर अर्ली एज में ड्रग्स का आगाज़ कर दिया जाए तो ये शरह 30-35% तक भी बढ़ जाती है। एडिक्शन भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो जब भी ज़हनी कैफियत मनफी होगी, चाहे कोई गुस्से में हो, चाहे कोई गम में हो, चाहे रिबेलियस हो या एम्बेरस्ड हो, तो उसका ख़तरा है कि कोई उसको इंट्रोड्यूस कराएगा ड्रग्स के साथ। वालिदैन के कुछ ख़ास रवैये हैं जो कि बच्चों में बगावत को ख़त्म कर सकते हैं और तावन को जन्म दे सकते हैं। वालिदैन जब बच्चों से मुकालमा कर रहे हों तो बच्चों को यकीन हो कि वालिदैन जो कह रहे हैं आखिरकार ये वैसा ही करेंगे। जब बच्चे एक जैसे नहीं होते तो उनके साथ सलूक भी एक जैसा नहीं हो सकता। ये जो हम कहते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर दी डिफरेंट फोक्स, तो इसमें एक इसका जो एडेड फिक्र है वो ये है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर दी डिफरेंट फोक्स एंड डिफरेंट स्ट्रोक फॉर दी सेम फोक्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। मैं समझता हूँ कि एबिलिटीज़ का नंबर दूसरा है, पहले नंबर पे इमोशनल स्टेबिलिटी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग एबिलिटीज़ की वजह से रिश्तों में जाते हैं और इमोशनली इनस्टेबल होने की वजह से रिश्तों से उनको निकलना पड़ता है और ब्रेकअप्स होते हैं। तो स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने के या इंटरनेट को इस्तेमाल करने के भी मैनर्स हैं। आप दूसरों को इग्नोर करते हुए ऐसा ना करें। खुसूसन बहुत से मियाँ बीवी में आजकल ये झगड़ा चलता रहता है कि उनकी मौजूदगी में उनका लाइफ पार्टनर स्मार्टफोन में गुम रहता है। मास्टर माइंड की कदर करने की ज़रूरत है। मास्टर माइंड वो है जो आपके अंदर जीता जागता इंसान है। मास्टरमाइंड वो है जिसे लोग एक ब्रांड नेम से जानते हैं और उस ब्रांड नेम की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है।